ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अनंत चतुर्दशी का व्रत आने वाला है, तो अनंत चतुर्दशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वह 17 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन इस कथा को सुनने मात्र से ही 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो हाथ में पुष्प ले लेंगे और कथा सुनेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। यह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल और थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भ्रांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा जाते थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर कहा, अंधों की संतान अंधी, कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। इस बात को उसने हृदय में बाढ़ की तरह समाली। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उनसे बदला लेने के लिए पांडवों को द्रुत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण और ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करकसा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर करकसा ने दामाद को कुछ ईंटे और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या के समय आराम करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारकर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक आनंद व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने उसी समय व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने कहा, अनंत भगवान का डोरा आपने जला दिया था, इसी कारण से हमें दुख भोगना पड़ रहा है। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन वह भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और सारे क्लेशों से उसे मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे।
तो जो हाथ में पुष्प है वो भगवान को अर्पित कर दे और प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान अनंत हम सब की रक्षा करे, हम सब के घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य आए, इसी की कामना करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। ज़रा भी पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए ताकि वो भी कथा सुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।